बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के साथ में हूँ अनम नकवी। नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क भर में आज यौम दिफा व शहदा मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। अजली और मकार दुश्मन भारत ने 1965 में बैन अल-अक़वामी सरहद पार करके पाकिस्तान पर जारियत की। पाक फौज के सरफरोश जवानों ने बेजिगरी से लड़ते हुए हमला नाकाम बनाया। पाक फौज के शहदा और गाजियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुल्क भर में तकरीबात का सिलसिला जारी है। शहदाए पाकिस्तान हमारा फख्र, गाजियों और उनसे जुड़े तमाम रिश्तों को सलाम। DGISPR बाबर इफ्तिखार ने यौम दिफा और शहदा से मुतालिक मुख्तसर दौरानिये की एक और वीडियो जारी कर दी। सरहद पर मौजूद जवानों के अहले खाना के हौसले की अकासी की। कौम का सर फख्र से बुलंद करने वाले हैदर अली वतन वापस पहुंच गए। सूबाई वजीर स्पोर्ट्स राय तैमूर भट्टी ने लाहौर एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। बड़ी तादाद में शहरी कौमी हीरो की एक झलक देखने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। हैदर अली पैरालंपिक्स में तलाई तमगा जीतने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। कौमी हीरो हैदर अली ने डिस्क थ्रो में मेडल जीता। हैदर अली ने एजाज मुल्क और कौम के नाम कर दिया। अफगानिस्तान की ताज़ा सूरत हाल। वज़ीर आज़म का आलमी रहनुमाओं से तबादला ख्याल। इमरान खान का सऊदी वली अहद, अबू जहबी के वली अहद और अमीर कतर से टेलीफोनिक रब्ता। कहते हैं अफगानिस्तान में सियासी मुफाहमत से ही अमन इस्तेहकाम आएगा। पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान पाकिस्तान और खिते के मफाद में है। आलमी बरदरी अफगानिस्तान की मदद के लिए आगे आए। हेडलाइन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV। सब पे नजर।